हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सलमान और आपको अपने चैनल जॉब सिंपीके में एक न्यू जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी में आने वाली जॉब के बारे में। इसमें कुल कितनी पोजीशंस हैं, एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट क्या है, लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जानने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जॉब सिंपीके सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम जॉब रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या आप अपना ब्राउजर ओपन करके न्यू विंडो में सर्च कर सकते हैं getjobpk.com। जैसे ही आप getjobpk.com सर्च करेंगे आपके सामने एक साइट ओपन हो जाएगी। ये आपके सामने एक साइट ओपन हो चुकी है, तो आप नीचे आएंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे, जॉब्स इन पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी सेकंड नंबर पर है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, कंप्लीट डिटेल, जिसके आप अपनी अहलियत का अंदाजा लगा सकते हैं, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं रिसेप्शन में जॉब्स इन पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी अगस्त 2019 है, डिपार्टमेंट पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है। पोस्ट का जो नाम है वो बर्ड शूटर है, कारपेंटर है, पेंटर है, वेल्डर है, प्लम्बर, पर्क, मिस्त्री, यूनियन स्टाफ है, मैकेनिकल का यूनियन स्टाफ, इलेक्ट्रिकल का यूनियन स्टाफ है, एचआर, ट्रैफिक हैंड एंड किक्स का यूनियन स्टाफ है, लॉजिस्टिक का। तो इसमें एजुकेशन रिक्वायरमेंट मैट्रिक और मिडिल है, ये मिडिल और मैट्रिक वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज इसकी 154 है, एज लिमिट इसकी 30 साल है, 30 साल एंड है, ज्यादा से ज्यादा उम्र 30 साल हो सकती है। लोकेशन इसकी कराची, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, रहीम यार खान या शक्कर हो सकता है। तो इसमें एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपको अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके मुताबिक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बेहतर है, नहीं है तो आप किसी और पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे अप्लाई करने का तरीका कार क्या है ये जानते हैं। जानने से पहले आप देख सकते हैं कि 9 सितंबर 2019 की लास्ट डेट है, लास्ट डेट इसकी 9 सितंबर 2019 है, इससे पहले पहले आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे अप्लाई करने का तरीका कार क्या है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट एक फॉर्म डाउनलोड करें जो कि फिलअप करना होता है, वो मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ये फॉर्म getjobpk.com की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट के नीचे एक फॉर्म आ गया, ये फॉर्म है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये फॉर्म आपने केयरफुली फिल करना है, इस केयरफुली इसके बाद इसको फिल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एंड सबमिट अलॉन्ग विद एजुकेशनल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, CNIC डोमिसाइल एंड फ्रेश फोटोग्राफ्स एंड सेंड दिस फॉलोइंग एड्रेस, एडिशनल डायरेक्टर HRTM हेडक्वार्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी, टर्मिनल 1 जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। आपने इस पे इस एड्रेस पे इस फॉर्म को फिल करने के बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद इसको इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। तो मजीद मालूमात के लिए अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी अहलियत का अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी अहलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड करके फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। मजीद जॉब के अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो ये आपके नीचे इसके नीचे ही यू नो के बटन पे क्लिक करें और जॉब हासिल करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जॉब रिलेटेड वीडियो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के बारे में। ऐसी और वीडियो हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।